नायडू की यहां पर रहने वाली है, इस पर भी सबकी निगाह। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एनडीए के दिग्गजों का जमावड़ा, तो चुनाव परिणाम को लेकर महामंथन यहां पर होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक बुलाई गई है। तो एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी और डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। तो एनडीए के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए के दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर, और जिस तरह का जनादेश सामने आया है उसको लेकर महामंथन यहां पर किया जाएगा। तो लगातार अमित भी बने हुए हैं। अमित, एनडीए के दिग्गजों का जमावड़ा दिल्ली में हम देख रहे हैं, हलचल भी सरकार गठन से पहले तेज है, लेकिन जिस तरह का जनादेश रहा है उन चुनाव परिणामों को लेकर महामंथन भी आज। बिल्कुल, देखिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कल भी एक मीटिंग की गई थी और आज तमाम जो एनडीए के सहयोगी दलों की जिस जिस राज्य में सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया और जेपी नड्डा मीटिंग करने के बाद इसी बात का मंथन करेंगे कि किस राज्य में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। खुद योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली में पहुंचे, डिप्टी सीएम यहां पर मौजूद हैं, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और भी आज शाम तक दिल्ली पहुंच सकते हैं, इस तरीके की जानकारी है। और जो जिस तरीके से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, उत्तर प्रदेश में काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी आने वाले समय में बातचीत जेपी नड्डा की जाएगी और उस परफॉर्मेंस के पीछे क्या क्या जिम्मेदारी रही, क्या क्या कारण रहे, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन किया जाएगा। और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य वो सरकारें जो एनडीए के गठबंधन की सरकारें हैं उन सरकारों के मुख्यमंत्रियों को भी निर्देश दिए जाएंगे कि आने वाले समय में किस तरीके की परफॉर्मेंस रखी जाए और किन किन ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाकर जनता के हित में काम किया जाए, देश के हित में काम किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये